ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ, विधायक और जिलाध्यक्ष हुए शामिल। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में बालाजी धाम बड़ोह में 51 कुंडी संकट मोचन श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी ऐतिहासिक 1 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकाली गई, जिसने 5 घंटे में 6 किलोमीटर का सफर तय किया। भव्य कलश यात्रा में महामंडलेश्वर श्री महंत और साधु संत शाही सवारी पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। बड़ोह और पठारी अवधपुरी जैसी सजी हुई नजर आ रही। घर घर द्वार द्वार पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। कलश यात्रा में हजारों पैदल श्रद्धालुओं के अलावा रथ, घोड़ा, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, टाली, ऑटो सहित कई वाहन शामिल थे। नगर के समीपस्थ ग्राम बड़ोह में धोनी वाले बाबा और कुटी वाली बाई की तपोभूमि श्री बालाजी धाम में 51 कुंडी संकट मोचन श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस विशाल महायज्ञ की कलश यात्रा श्री हनुमान जी और धोनी वाले बाबा कुटी वाली बाई की विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुई, जो बालाजी धाम से सौभाग्यवती महिलाएं अपने सर पर मंगल कलश धारण कर कलश यात्रा प्रारंभ करते हुए बड़ोह के मुख्य मार्गों और देव स्थलों में माथा टेक कर नगर पठारी पहुंची, जो करेली धाम, तालाब रोड, मुख्य बाजार, श्री राम जानकी राज मंदिर, राधा कृष्ण पोदार मंदिर, श्री माता मंदिर, श्री राम जानकी साहू समाज मंदिर, श्री हरछठ माता मंदिर तहसील प्रांगण, श्री कुटलेश्वर मंदिर होते हुए श्री करेली धाम बालाजी धाम पहुंची। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।